नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पैडलीगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया, जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बृजेश मणि मिश्र ने बताया कि नेताजी इस देश के एक महापुरुष रहे हैं जिनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने युवाओं के खून को ललकारा और युवाओं ने बढ़ चढ़ के माँ भारती के लिए अपना रक्त चढ़ाकर बलिदान दिया, तब जाकर आज अपना देश आजाद है। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के स्वतंत्रता के लिए और देश को एक करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना करके देश को आजादी दिलाई। इस अवसर पर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, बृजेश मणि मिश्र, शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, दिनेश जायसवाल, मदन अग्रहरी, नितिन जायसवाल, निखिल मोटानी, रितेश सिंह, बबलू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बृजेश मणि मिश्र ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, ब्रजेश मणि मिश्र, जिला उपाध्यक्ष भाजपा महानगर गोरखपुर। प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा पर उनके जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उनको नमन करते हैं। आज अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण का कार्यक्रम किया और देश के इस महान सपूत को, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को एक करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके देश को आज़ादी दिलाई, उन्हें हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हुआ था। क्या कहेंगे नेताजी? इस देश के ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनका नारा था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, यानी युवाओं के खून को ललकारा और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके अपना रक्त चढ़ाया माँ भारती के लिए उनके नेतृत्व में, और देश आज आज़ाद है। आज इस स्थिति में हम सभी लोग हैं तो ऐसे महापुरुषों के बलिदान का ही है।